हे गाइस, तो कैसे हो आप सब। और इस वीडियो में बात करेंगे रियलमी 5 प्रो के कैमरा लेंस प्रोटेक्शन के बारे में। तो आपको पता ही होगा, अगर आप 5 प्रो के यूज़र हैं, जो क्वाड कैमरे का सेटअप है और जो कैमरा बम्प है थोड़ा सा ऊपर की ओर प्रोट्रूडिंग है, अब नीचे हो गए, आपका जो फ्लैगशिप लेवल का सेंसर है वो किसी तरह पर स्क्रैच अप हो जाए, तो यहाँ पर प्रोटेक्शन के लिए आप स्किन यूज़ कर सकते हैं। और गैजेट सेल्स की तरफ से हमेशा जो है बेहतर क्वालिटी वाली स्किन प्रोवाइड की जाती है, तो मैंने यहाँ पर ऑब्वियसली गैजेट सेल्स की तरफ से यहाँ पर 2-3 तरह के जो है स्किन यहाँ पर मंगवाए हैं। आपको बताएंगे कौन से वेरियंट मंगवाए हैं। बॉक्स कॉन्टेंट आपने देख लिया है। अगर आप ओनली कैमरा लेंस वाली प्रोटेक्शन लेते हैं तो आपको पेयर में मिलता है और अंदर में एक माइक्रो फाइबर क्लॉथिंग मिलती है जिसमें गैजेट सेल्स की ब्रांडिंग है। आपको ऑब्वियसली सबसे पहले साफ़ कर लेना है। तो मैंने यहाँ पर 3 वेरिएंट मंगवाए हैं। कौन से वेरिएंट है, किस तरह से अप्लाई करना है, कैसे निकालना है, सारा कुछ यहाँ पर आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो पहली बार आए हो हमारे चैनल पर, सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस तरह से सब्सक्राइब कर सकते हो। बेल आइकन को दबाओ, ऑल करो, सारी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगी। सबसे पहला जो वेरिएंट है ये है ब्लैक कैमोफ्लॉन्ट, और एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा इजी है। इतनी डिटेल में आपको इतनी ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पर देख सकते हैं, आपको खाली निकालना है और लगाना है, बस इतना ही आपको करना है। और कैसे हटाएंगे वो भी बहुत इजी है, और स्किन को हटाना बहुत ही ज़्यादा हैसल फ्री है, कोई रेसिड्यू वगैरह नहीं रहती है। और यहाँ पर आप देखेंगे जो दूसरा एडिशन है ये वाला है वाइट कार्बन फाइबर एडिशन, ये भी बहुत बढ़िया आती है अगर आप ग्रीन कलर का जो है वेरिएंट यूज़ कर रहे हैं रियलमी 5 प्रो का। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, यहाँ पर जो मार्बल एडिशन है, वाइट मार्बल एडिशन मैंने यहाँ पर लिया है, और ये वाली जो लुक निकल के आई है मार्बल एडिशन के साथ वो बहुत ही बेहतर निकल के आई है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, आप प्रीव्यू करके देख सकते हैं, मैं जैसे आपको वेबसाइट में लेके चलूँगा यहाँ पर सारा कुछ यहाँ पर बताऊँगा। और स्किन अगर हटाना चाहते हैं तो जो ऑयली फिल्म के ऊपर स्किन लगी हुई रहती है उसी का इस्तेमाल करें स्किन को हटाने के लिए, कुछ इस तरह से, और फिर आप उसे रीयूज़ भी कर सकते हैं। और यहाँ पर आपके कैमरा लेंस में यहाँ पर कोई भी रेसिड्यू वगैरह नहीं रहती है। तो अगर पहली बार आप गैजेट सील्स को सर्च कर रहे हैं तो आप किसी भी ब्राउज़र में जाके गूगल सर्च बार में आपको लिखना है गैजेट सील्स, और यहाँ पर इनकी खुद की वेबसाइट है जहाँ पर आप पहुँच जाओगे कुछ इस तरह से। वैसे मैंने आपको सारे लिंक्स वगैरह दे के रखे हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो डिस्क्रिप्शन में जाओ, डायरेक्ट लिंक में क्लिक करो और वहीं से डायरेक्ट आप गैजेट सील्स के वेबसाइट में पहुंच जाओगे। तो यहाँ पर जाके फिर से सर्च बार में आप कोई भी डिवाइस यूज़ करते हैं तो सर्च करके देख सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर 5 प्रो का ही बता रहा हूँ, तो 5 प्रो यहाँ पर सर्च करके मैं आपको बताता हूँ। आप कोई भी कलर वेरियंट यूज़ कर रहे हैं वो कलर वेरियंट का प्रीव्यू आप देख सकते हैं, जो कि बहुत ही बढ़िया बात है। यहाँ पर मैं ग्रीन कलर का वेरियंट यूज़ करता हूँ, तो यहाँ पर ग्रीन कलर मैं सिलेक्ट कर लूँगा, और यहाँ पर आपको फुल बैक और कैमरा लेंस की स्किन आपको मिल जाएगी। फुल बैक की स्किन भी आप ले सकते हैं, लेकिन ओनली कैमरा लेंस मैं आपको बताऊँगा, और हर एक टेक्सचर को आप प्रीव्यू करके यहाँ पर बड़ी आसानी से देख सकते हैं। अब मैं यहाँ पर प्राइसिंग आपको बता दूँ, पेयर में आती है कैमरा लेंस स्किन 49 रुपीज़ की है, आपको पेयर में मिल जाएगी 49 रुपीज़ में, 100 रुपीज़ का डिलीवरी चार्ज है। यहाँ पर पहली बार है तो आपको एड्रेस वगैरह आपका फुल एड्रेस देना पड़ता है, ऑनलाइन पे करना पड़ता है, और यहाँ पर डिलीवरी जो है बहुत ही आसानी से 3-4 दिनों में आपको किसी भी एड्रेस में डिलीवर्ड हो जाएगा। अब मैं यहाँ पर क्यों आपको गैजेट सेल्स रिकमेंड कर रहा हूँ, क्योंकि मैं खुद पर्सनली जो है गैजेट सेल्स बहुत दिनों से यूज़ कर रहा हूँ। रेडमी नोट 5 प्रो के टाइम से मैं गैजेट सेल्स की स्किन पर्सनली ऑर्डर करके यूज़ कर रहा हूँ, और मुझे कभी कोई दिक्कत नहीं आई रिगार्डिंग ऑर्डर, और जो क्वालिटी मुझे अब तक मिली है बहुत बढ़िया क्वालिटी मिली है। तो मैं आपको आँख बंद करके रिकमेंड कर सकता हूँ गैजेट सेल्स। और कैसा लगा आपको ये वीडियो कमेंट में बता सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वाले वीडियो में, तब तक देखते रहिए।